अक्टूबर का महीना आ चुका है और साथ ही में गूगल की जो कोर अपडेट आई थी सितंबर वाली वो भी जा चुकी है। आई होप कि अभी सभी की वेबसाइट अच्छा कर रही होगी, जिनकी अच्छी नहीं कर रही उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमने काफी सारे डैशबोर्ड इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, उन्हें आप यूज करके अपनी वेबसाइट के अफेक्टेड पेजेस की लिस्ट को निकाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप वो सारा काम चालू करें, आइए देखते हैं कि सितंबर महीने में कोर अपडेट के अलावा और क्या क्या हुआ डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में। रेवन नमन तिवारी फॉर तिवारी डॉट नेट और ये है एसईओ लास्ट मंथ का अक्टूबर एपिसोड, जिसमें हम पिछले एक महीने की सारी खबरें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपके सामने 10 से 12 मिनट के अंदर ले आएंगे, ताकि आपको हजारों वेबसाइट ब्लॉग और अकाउंट्स को फॉलो ना करना पड़े। इस महीने की पहली खबर आती है माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग की तरफ से। 3 सितंबर को माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग ने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस अनाउंस किए हैं अपने एड्स प्लेटफॉर्म के अंदर। चेंजेस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। सबसे बड़ा चेंज है डिस्प्ले और जो इनहांस एडवर्टाइजिंग होती है उसके अंदर बिडिंग स्ट्रेटजी और टारगेटिंग ऑप्शन में चेंज किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप नेटिव एड्स में कॉल टू एक्शन और लोगोज को भी ऐड कर सकते हैं और अब माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग IAS वेरिफिकेशन को सभी एड फॉर्मेट में सपोर्ट करता है। ये IAS वो वाला IAS नहीं है, ये दूसरा वाला IAS है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस काफी ज्यादा है। इंडिया के अंदर इस IAS का मीनिंग थोड़ा सा अगर आप पूछने जाएंगे तो हो सकता है जो IAS का एग्जाम देने जा रहा है वो भी ना जानता हो कि भाई ये कोई दूसरा IAS भी होता है। तो ये थे माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग के एड्स और अगली खबर पर आ जाते हैं। 3 सितंबर की अगली खबर है एड्स की तरफ से, लेकिन गूगल एड्स की तरफ से। गूगल एड्स ने वीडियो कैंपेन या जो यूट्यूब एड्स होते हैं उनके लिए उनके ऊपर फोकस करते हुए अपना एनहांस्ड परफॉर्मेंस प्लानर लॉन्च किया है। ये प्लानर आपको यूट्यूब एड्स के एक्शन और अवेयरनेस दोनों टाइप के गोल में हेल्प करता है। YouTube पर जब हम ऐड करने जाते हैं तो वहां पर आप दो चीजें अचीव कर सकते हैं, या तो आप एक्चुअली में एक्शन यानी कि लीड जनरेट करा लें, कॉल जनरेट करा लें, सेल करा लें, या फिर दूसरा होता है ब्रांडिंग। YouTube वीडियो एड्स अवेयरनेस के लिए ब्रांडिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इन दोनों तरह के गोल्स को सपोर्ट करता है ये परफॉर्मेंस प्लानर। ये परफॉर्मेंस प्लानर आपको अलग अलग टाइप के विजुलाइजेशन के जरिए बता सकता है कि आप किस तरह के बजट या किस तरह की स्ट्रेटजी को यूज करें तो आपको कितना कन्वर्जन मिल सकता है या फिर कितनी अवेयरनेस, कितनी विजिबिलिटी आपको इंक्रीज होकर मिल सकती है। ये वीडियो रीच, वीडियो व्यूज और डिमांड जेन तीनों टाइप के कैंपेन का एक तरह से मिक्सचर है। इस परफॉर्मेंस प्लानर को यूज करके आप अपनी यूट्यूब एड कैंपेन को बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वैसे यूट्यूब एड से रिलेटेड एक और न्यूज है जो थोड़े दिनों बाद होती है, जिसके बारे में अभी मैं कुछ मिनट के अंदर बताने वाला। अगली खबर 4 सितंबर की, ये भी गूगल एड से है और गूगल एड जो वीडियो एक्शन कैंपेन होते हैं उनको डिमांड जेन में मर्ज करने जा रहा है। मार्च 2025 से आप नए वीडियो एक्शन कैंपेन को नहीं बना पाएंगे और जून 2025 के आते आते आपके जितने पुराने वीडियो एक्शन कैंपेन्स हैं उनको गूगल अपने आप डिमांड जेन कैंपेन के अंदर मर्ज कर देगा। डिमांड जेन कैंपेन गूगल का एक नया AI पुश है जो परफॉर्मेंस मैक्स की तरह ही आपसे आजादी ले लेता है, आपसे सिर्फ कंटेंट चाहता है और आपसे ऑब्वियसली बजट भी चाहता है, लेकिन उसके अलावा बाकी जितनी भी सेटिंग्स हैं, कीवर्ड्स हैं या एसेट को कैसे यूज करना या कहां पर कितना व्यू दिखाना है किसी भी एड को, ये सब कुछ खुद डिसाइड करता है और आपको सिर्फ देता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू देम। अब आपके लिए यूजफुल है या नहीं है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट डिमांड जेन कैंपेन्स को गूगल पुश कर रहा है और वीडियो एक्शन कैंपेन इस कड़ी में अगला नंबर है जिसे डिमांड जेन के अंदर मर्ज किया जा रहा है। नाउ काफी सारी एड्स की बातें हो गई हैं, आ जाते हैं गूगल सर्च पर। 4 सितंबर को गूगल ने अनाउंस किया कि ये फोरम टाइप का एक नया कंटेंट टाइप दिखाया जाएगा सर्च रिजल्ट्स पेज में। इस टाइप के सर्च रिजल्ट्स का मॉकअप आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जब भी यूजर कोई ऐसा सर्च करता है जिससे रिलेटेड कोई फोरम थ्रेड दिखाया जा सकता है तो वो थ्रेड भी दिखाया जाएगा सर्च रिजल्ट्स में और जो टॉप कमेंट्स होंगे वो भी थ्रेड के नीचे दिखाए जाएंगे। ये कुछ एक तरह से रिच रिजल्ट्स हैं जो सिर्फ रिच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। नाउ जैसा कि आप सभी को पता है अभी राइट नाउ गूगल का नया नया बॉयफ्रेंड रेडिट वो इस तरह के सर्च रिजल्ट्स में ज्यादा फीचर किया जाएगा। इट्स पॉसिबल कि जितने भी फोरम कंटेंट यहां पर दिखाया जाएगा उसमें 70-80% टाइम यहां पर रेडिट ही दिखाया जाए और थोड़ा बहुत कभी कभार कोरा यहाँ पर दिखाया जा सके। उसके अलावा कौन सा और थर्ड पार्टी फोरम गूगल यहाँ पर दिखाने वाला है आई डोंट नो एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू हर्ट वेबसाइट्स लिटिल मोर बिकॉज अभी तक रेडिट का जो थ्रेड दिखाई दे रहा था वो नॉर्मल फिर भी दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर उसे स्निपेट बनाकर सुंदर सा सजाकर दिखाया जाएगा तो यूजर्स का ध्यान उसकी तरफ और अलग से जाएगा। सो आई थिंक कि जो पब्लिशर्स या वेबसाइट ओनर्स SEOs ट्विटर पर जो गूगल की लगातार टांग खींचते रहते हैं कि वो रेडिट को अनफेयर तरीके से प्रमोट कर रहा है, उससे गूगल को डर नहीं लग रहा है बल्कि वो और दो स्टेप आगे जाकर उसे और ज्यादा सजा धजा कर दिखाना चाहते हैं। बॉयफ्रेंड की केयर हो तो गूगल जैसी, वरना ना हो।
अगली खबर है 5th सितंबर की। गूगल ने अनाउंस किया है कि अब से जब भी कोई अपने एड रन करना शुरू करता है गूगल एड्स के थ्रू, तो उनके एड पार्क्ड डोमेन्स पर नहीं दिखाए जाएंगे ऑटोमेटिकली, यानी कि सारे एड कैंपेन्स पार्क डोमेन से ऑटोमेटिकली ऑप्ट आउट होंगे, वहां पर नहीं दिखाए जाएंगे। पार्क डोमेन ऐसे डोमेन होते हैं जिन पर कोई वेबसाइट नहीं बनी है या मे बी होस्टिंग अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, और जो होस्टिंग कंपनी है वहां पर बाई डिफॉल्ट एड चलाना शुरू कर देती है, इससे उन्हें थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है। जो भी वेबसाइट विजिटर गाहे बगाहे गलती से किसी पार्क डोमेन पर पहुंच जाता है और वहां पर कोई वेबसाइट नहीं है तो उसकी जगह ऐड देख लेता है। ये होस्टिंग कंपनीज और डोमेन रजिस्ट्रार्स के लिए एक छोटी सी अलग साइड इनकम का जरिया हुआ करता था, लेकिन अब गूगल इन्हें ऑप्ट आउट कर रहा है, यानी कि बाय डिफॉल्ट वहां पर नहीं दिखाए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऐड पार्क डोमेन पर दिखाएं तो फिर आप उसे अलग से ऑप्ट इन कर सकते हैं, उस सेटिंग को अपनी तरफ से ऑन कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट आपके ऐड वहां पर नहीं दिखाए जाएंगे। दिस इज अ वेरी गुड चेंज। फॉर वंस गूगल आपके पैसे बचा रहा है। अगर आपके एड पार्क डोमेन पर दिखाए जाते हैं तो लोग वहां पर गलती से पहुंचे हैं, कोई भी पार्क डोमेन पर पहुंचते ही उन्हें एड्स को देखकर अपनी तरफ से खुश नहीं होता कि अरे वाह चलो मुझे वेबसाइट नहीं मिली लेकिन मुझे कम से कम एड दिखा, नहीं होता ऐसा, कभी कोई खुश नहीं होता है। तो इस नाखुशी वाले जो गलती वाले एड है इन पर दिखाकर और इनके ऊपर बजट वेस्ट करने से आपका नुकसान होता था, गूगल इस नुकसान को रोक रहा है। सो दिस इज अ गुड थिंग, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था बट अभी हो गया, बहुत अच्छा हुआ। 6 सितंबर को गूगल ने अनाउंस किया कि YouTube स्टूडियो के अंदर मिलने वाला जो प्रमोशन टैब है जहां पर आप अपने वीडियोस को प्रमोट कर सकते हैं, उसमें अभी तक सिर्फ दो गोल हुआ करते थे, अब एक तीसरा गोल ऐड कर दिया गया है, वेबसाइट विजिट। वैसे ये फीचर नया नहीं है, इसे पिछले 5 महीनों से मैं ट्राई कर रहा था, अप्रैल में गूगल ने इसे टेस्ट आउट करना शुरू किया था, इसके बारे में काफी सारे मीटिंग्स वगैरह हुई और उसके बाद गूगल ने सभी टेस्टर्स को कुछ 8 से लेकर 10,000 रुपए के बीच में अपनी तरफ से दिए थे कि भाई आप एड रन करिए, एड रन करके देखिए, और जैसा भी रिजल्ट आता है उसको गूगल अपने फीडबैक के अंदर यूज कर रहा था। और 5 महीने की टेस्टिंग के बाद गूगल हुआ सेटिस्फाई, और अब आप भी अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं तो अपने यूट्यूब स्टूडियो अकाउंट के अंदर लॉग इन करके अपने वीडियोज को प्रमोशन टैब में जाकर डायरेक्टली प्रमोट कर सकते हैं, और प्रमोशन में जो गोल है वो वेबसाइट विजिट भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आप वीडियो को प्रमोट करेंगे और जब कोई आपके वीडियो एड पर क्लिक करेगा तो वो आपके लैंडिंग पेज पर पहुंचेगा और जहां पर जाकर वो कोई भी एक्शन ले सकता है। YouTube स्टूडियो के जो एड कैंपेन्स होते हैं ये बहुत ही बेसिक होते हैं, लाइक ये स्मार्ट एड से भी ज्यादा लेस स्मार्ट होते हैं, मतलब स्मार्ट एड से भी कम स्मार्ट होते हैं। सिर्फ आपको वीडियो को सेलेक्ट करना है, इसके बाद क्लिक 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 2-4 बार आप क्लिक करेंगे और आपका एड रन होना शुरू हो जाता है। दे आर नॉट वेरी गुड, आई मीन पैसे काफी बर्बाद होते हैं और रिजल्ट कभी भी एकदम एक्यूरेट नहीं रहते हैं। क्यों, और अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो भी नहीं पता क्यों आ रहा है, और खराब आ रहा है तो भी नहीं पता है क्यों आ रहा है, बट सिर्फ हो रहा होता है। तो एक फीचर है, इफ यू वांट टू यूज यू कैन यूज। अगर किसी को गूगल एड्स के अंदर बहुत ज्यादा अपना हाथ पैर नहीं मारना है तो इसको यूज कर सकता है, दे आर गुड फॉर वेरी सिंपल रीजंस, बट बहुत ज्यादा आप इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। 10 सितंबर को गूगल ने वीडियो टाइप के स्कीमा डेटा में इन एलिजिबल रीजन नाम की प्रॉपर्टी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि अब आप अपने वीडियो स्कीमा डेटा के अंदर इन एलिजिबल रीजन नाम की इस प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करके इसको एड करके बता सकते हैं गूगल को कि आपका जो वीडियो है वो किन किन कंट्रीज में जाने लायक दिखाने लायक नहीं है, वहां के लिए वैलिड नहीं है। कोई रीजन कुछ भी हो सकता है, अगर आप किसी खास रीजन की वजह से नहीं चाहते कि आपका वीडियो किसी एक खास कंट्री में किसी एक खास एरिया में ना दिखाया जाए तो वहां पर आप इन एलिजिबल रीजन टाइप का ये स्कीमा डेटा ऐड कर सकते हैं। वैसे वीडियो टाइप के स्कीमा डेटा को यूज कैसे करना है, बनाना कैसे है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा, आप उसे यूज करके देख सकते हैं। 11 सितंबर को गूगल ने पार्टनर किया है इंटरनेट आर्काइव नाम की कंपनी के साथ में। इंटरनेट आर्काइव वही कंपनी है जो आपको वे बैक मशीन प्रोवाइड करती है। वे बैक मशीन को यूज करके हम डिजाइनर्स एसईओस मार्केटर्स बेसिकली किसी भी वेबसाइट की कुंडली निकाल सकते हैं। वो वेबसाइट आज से 5 साल पहले कैसी दिखाई देती थी, 10 साल पहले कैसी दिखाई देती थी, किसी पेज में जो कॉन्टेंट है वो पहले कैसे दिखाई देता था, ये सारी चीजें हम वे बैक मशीन से बहुत टाइम से निकाल रहे थे, यूज कर रहे थे। बट अब आपको किसी भी पेज के सर्च रिजल्ट के साथ में About section में ही, about this search result section में आपको Wayback Machine का link मिल जाएगा अगर उस page के लिए available है तो। I hope कि Google इसके लिए Internet Archive को कुछ pay कर रहा है because it's an official partnership and Wayback Machine एक for-profit organization नहीं है, NGO है, सब दूसरों के donation पर ही उस organization को चला रहे हैं। It's really helpful. I can't even remember कितनी बार इस option ने मेरी ही जान बचाई हुई client के सामने। आप गलती से कई बार कोई page हटा देते हैं, delete कर देते हैं, वेबसाइट्स की वेबसाइट डिलीट हो जाती हैं, वहां पर ये वेबैक मशीन ही हमारी जान बचाती है। तो आई होप गूगल इज पेइंग समथिंग एंड इफ यू वांट यू शुड पे टू वेबैक मशीन टू।
वैसे वेबैक मशीन वाले ये ऑप्शन कैश ऑप्शन को रिप्लेस कर रहा है। कैश के बारे में इस मंथ के लास्ट में एक और न्यूज है, बट कैश ऑप्शन अब आपको नहीं दिखाई देता है, कैश की जगह ये वेबैक मशीन वाला ऑप्शन दिखाई देगा, विच इज मोर यूजफुल टू बी ऑनेस्ट। इट्स नॉट दैट कैश वाज ऑलवेज दैट एक्यूरेट। 16 सितंबर को मेटा एड्स ने कुछ फीचर अनाउंस किए हैं जो बॉटम ऑफ द फनल टाइप के एड को काफी ज्यादा बूस्ट करेंगे। अभी ये फेस्टिवल सीजन आने वाला है, अभी दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा, इस फेस्टिव सीजन में बॉटम ऑफ द फनल एड्स ही चलाए जाते हैं जिसमें आप भारी डिस्काउंट देते हैं, कुछ नया लॉन्च करते हैं, कोई साथ में कोई एक टीवी के साथ में फ्रिज फ्री दे रहे हैं या फ्रिज के साथ में रेडियो फ्री दे रहे हैं, इस टाइप की जो भारी भरकम डिस्काउंट वाले भारी भरकम प्रमोशनल ऑफर चलाए जाते हैं उनके लिए बॉटम ऑफ द फनल एड्स ही रहते हैं। सो अब जो मेटा एड्स है उसमें भी आप रील वगैरह आपकी ऑडियंस अगर बहुत ज्यादा देखती है तो आप इस तरह के एड चला सकते हैं। इसमें आप फर्स्ट टाइम परचेजर्स के लिए अलग से ऑफर रन कर सकते हैं, दिखाई दे देंगे सामने, उनको ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। नजिंग टाइप के पर्सनलाइज ऑफर वाले एड भी चल सकते हैं जिसमें जिस पर्सन ने पहले ऑलरेडी आपका एड देख रखा है तो उसी को आप दोबारा से फिर से रीटारगेटिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली इंस्टाग्राम के अंदर रीटारगेटिंग कर सकते हैं। आप कूपन्स को हाईलाइट कर सकते हैं अपने एड्स में, इस तरह के एड्स आप दिखा सकते हैं जहां पर कूपन अलग से दिखाई देगा, आप बता सकते हैं कि ये कूपन कोड कहां पर अप्लाई होगा, ऑटोमेटिकली अप्लाई होगी नहीं होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आप एड के अंदर ही दिखा सकते हैं टेक्स्ट में। उसके अलावा आप अपने एड्स के साथ में लोकेशन टाइप की एसेट्स को यूज कर सकते हैं मेटा एड्स के साथ में, और साइट लिंक टाइप की एसेट्स को भी यूज कर सकते हैं। नाउ लोकेशन और साइट लिंक ये दोनों ऑलरेडी गूगल एड्स में बहुत टाइम से चल रही है, लेकिन अब इनको आप इंस्टाग्राम के फेसबुक के एड्स में भी जोड़ सकते हैं, वहां पर भी दिखा सकते हैं। इसमें कोई कॉपी करने जैसी कोई चीज नहीं है, आई डोंट थिंक दैट इट्स बैड एट ऑल, बिकॉज भले ही नाम सेम हो फीचर भी सेम हो लेकिन मतलब क्या है, एड का कन्वर्जन होने से मतलब है, वो गूगल पर हो या इंस्टाग्राम पर हो उससे क्या फर्क पड़ता है, गूगल आपका ना इंस्टाग्राम आपके चाचा का है, तो यूज करें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा ट्रैवल इंटरेस्ट वाले एड भी अलग से दिखाए जा सकते हैं, अगर आपकी ऑडियंस किसी खास लोकेशन पर जाना चाहती है तो आप इस तरह की ऑडियंस को इंस्टाग्राम एड्स के जरिए ही ऑलरेडी हिट कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर ट्रैवल टाइप का कंटेंट काफी ज्यादा चलता है, आप उस किसी क्रिएटर ने एक ऐड डाल रखा है कि मनाली जाएं तो यहाँ पर घूमने जाएं और उसी के नीचे आपका ऐड आ रहा है, उसके साथ में आपका ऐड आ रहा है, तो कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह के ऐड जो है वो काफी यूजफुल है, इन्हें यूज करें। 18 सितंबर को गूगल एड्स ने अनाउंस किया कि वो कैंपेन लेवल पर नेगेटिव कीवर्ड का सपोर्ट ला रहे हैं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के लिए, साल के एंड तक ये सपोर्ट लॉन्च कर दिया जाएगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज परफॉर्मेंस मैक्स पर अभी राइट नाउ कोई कंट्रोल नहीं है हम लोगों का, राइट, यू जस्ट गिव मनी एंड जस्ट होप दैट एवरीथिंग विल वर्क फाइन एंड इफ यू डू एवरीथिंग परफेक्टली। अगर आपने हमारा ये वाला वीडियो देखा हुआ है और वीडियो देखने के बाद आपने अपना परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चलाया हुआ है सही तरीके से और आप टाइम देते हैं, बजट देते हैं, तो परफॉर्मेंस मैक्स आपको रियली में अच्छे रिजल्ट निकाल कर दे सकता है, बट अभी कंट्रोल ज्यादा नहीं है तो कंट्रोल थोड़ा सा ऐड हो रहा है, नेगेटिव कीवर्ड आप ऐड कर पाएंगे अपने परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के अंदर ही जल्दी ही। 19 सितंबर को रेडिट ने, गूगल के बॉयफ्रेंड रेडिट ने अनाउंस किए हैं अपने एड्स के बारे में कुछ, वो क्या अनाउंसमेंट है उनको देख लेते हैं कितने ज्यादा भारी भरकम है। नंबर एक, उनकी एआई पावर्ड एड्स इंस्पिरेशन लाइब्रेरी होगी रेडिट के एड्स की इंस्पिरेशन लाइब्रेरी होगी। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप रेडिट पर किस तरह के एड डालकर अपने पैसे बर्बाद करें तो आप इस एआई पावर्ड इंस्पिरेशन लाइब्रेरी पर जाकर देख सकते हैं किस तरह के लोग एड चला रहे हैं और उसके बाद अपने वैसे एड बना सकते हैं रेडिट पर। ओके, नंबर दो, जो ये एड का टेक्स्ट होता है वो जनरेट करने के लिए आपको एक एआई एलएलएम जनरेटर मिलेगा और इमेज को क्रॉप करने के लिए कौन सी एआई की जरूरत है आई डोंट नो, बट उनके अपने अनाउंसमेंट के हिसाब से इससे स्मॉल और मीडियम बिजनेस को बहुत बूस्ट मिलने वाला है, इससे उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी। व्हाट स्मॉल बिजनेसेस एंड मीडियम बिजनेसेस नीड इज एन एड दैट एक्चुअली वर्क्स, वो नहीं मिलेगा रेडिट पर। मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना है, वो मैंने दे दी, अनाउंसमेंट बता दिया, लेकिन रन मत करना एक्चुअली में रेडिट पर। वो अगर 40,000 के साथ में 60,000 का बजट क्रेडिट दे रहे हैं लिंक्डइन की तरह, गूगल भी वैसे धोखे देता रहता है, तो भी मत करो, वो 40,000 भी चले जाएंगे। 24 सितंबर को गूगल ने कैश सर्च ऑपरेटर को भी हटा दिया, कंप्लीटली बंद हो गया, कैश फंक्शन ने काम करना बंद कर रखा था, अब सर्च ऑपरेटर भी काम नहीं करेगा। सो ये कैश वाला फंक्शन हुआ करता है जिसको कुछ लोग कैशे बोलते हैं, कुछ लोग कैच बोलते हैं, That is completely gone. SEOs के लिए बहुत ही historical moment है ये, nostalgic हम लोग feel किया करेंगे कुछ time बाद, maybe नए SEOs होंगे जो 2-3 साल बाद पढ़ेंगे, अभी पढ़ाई कर रहे हैं और वो हो सकता है उनको बताना पड़ेगा, देखो कैश भी एक function हुआ करता था, कैसे काम करता था। So अभी फिलहाल के लिए गया।
से भूल जाते हैं। 25 सितंबर को गूगल ने अपनी स्पैम पॉलिसीज में अपडेट किया है और इस स्पैम पॉलिसी में बहुत सारे वर्ड्स और डेफिनेशन को चेंज किया है जिसमें बेसिकली बताने लायक कुछ भी नहीं है। एक जो बड़ी चीज जिसमें ज्यादा टाइम उन्होंने स्पेंड किया है इस पूरे डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट करते टाइम वो है साइट रेपुटेशन अब्यूज पॉलिसी, जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है कि भाई जो ये साइट रेपुटेशन अब्यूज है वो एक्चुअली में क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी न्यूज वेबसाइट है, मान लेते हैं फोर्ब्स। अब फोर्ब्स किस तरह से कंटेंट पब्लिश करे कि उसे साइट रेपुटेशन अब्यूज का पार्ट ना माना जाए, यानी कि जो वेबसाइट के मेन राइटर्स है, मेन टीम है, वही उस कंटेंट को लिखे, वही उसे एडिट करे, वही उसे पब्लिश करे और वही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ऐसा ना हो कि कंपनी ने अपना नाम फोर्ब्स की तरह किसी दूसरी थर्ड पार्टी कंपनी को पूरा का पूरा बेच दिया है, लाइसेंस कर दिया और वो कुछ भी रैंडम कंटेंट इधर उधर से पब्लिश कर रहे हैं। बट अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट बिकॉज नंबर एक, गूगल इसे इन्फोर्स नहीं करने वाला है। अभी हाल ही में एक आर्टिकल काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, पब्लिश हुआ था, इसका लिंक आपको सामने भी दिखाई दे रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसे जाकर पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल के राइटर ने बहुत ज्यादा रिसर्च करके प्रूव किया बाकायदा कि किस तरह से फोर्ब्स ने अपना नाम एक थर्ड पार्टी कंपनी को लाइसेंस कर रखा है, उसे पैसे ले रहे हैं एक मुश्त और इसके बाद वो कंपनी हजारों लाखों आर्टिकल्स पब्लिश कर रही है जिनका फोर्ब्स से कोई लेना देना नहीं है। गूगल ने यह पढ़ा लेकिन इसके बारे में किया कुछ नहीं है, उन आर्टिकल्स का कुछ भी नहीं होगा, वो डीइंडेक्स नहीं होंगे। स्मॉल पब्लिशर डीइंडेक्स हो सकते हैं बट फोर्ब्स नहीं होगा, बिकॉज अगर गूगल ऐसा करता है तो फोर्ब्स गूगल के अगेंस्ट नेगेटिव पीआर कर सकता है, इसीलिए गूगल उसके अगेंस्ट एक्ट नहीं करने जा रहा है। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे न्यूज पोर्टल्स हैं जो पता नहीं कहां कहां का किन किन टॉपिक पर खामखा में कंटेंट लिख रहे हैं। एनडीटीवी हो या कोई भी दूसरा न्यूज चैनल हो जिसका काम एक्चुअली में न्यूज पब्लिश करना है, वो फैशन, बॉलीवुड और इवन टिकटॉक और ये रील से रिलेटेड कंटेंट को पब्लिश करें जिसका न्यूज से कोई लेना देना नहीं है बट जस्ट उससे व्यूज ले रहे हैं, उससे एड रेवेन्यू ले रहे हैं, एक्चुअली में न्यूज कोई नहीं पब्लिश करना चाहता है। बट ये जो काम, ये जो व्यूज है जो छोटे पब्लिशर्स के पास जाने चाहिए थे, जिनके लिए ये काम एक्चुअली में ज्यादा सूटेबल था, वो आप बड़े पोर्टल्स लेकर जाते हैं और गूगल उसके अगेंस्ट नहीं एक्ट करने जा रहा है। तो साइट रेपुटेशन अब्यूज पॉलिसी के ऊपर किया हुआ कोई भी चेंज सिर्फ खोखली बातें हैं जब तक गूगल इस तरह के बड़े डोमेन्स को एक्चुअली में पनिश नहीं करता है। अगर इन एस्टैब्लिश न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के डोमेन पर गूगल 10-15% का ट्रैफिक का लॉस भी करता है इस तरह के फालतू कॉन्टेंट के लिए, और उस कॉन्टेंट का ट्रैफिक अगर एक्चुअली में जाता है स्मॉल पब्लिशर्स के पास, तो स्मॉल पब्लिशर्स को भी फायदा होगा और इन बड़े जाइंट न्यूज पब्लिशर्स का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, उनके लिए 10% मैटर भी नहीं करता है। बट स्मॉल पब्लिशर्स इसमें फ्लोरिश कर सकते हैं और ज्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं बिकॉज बड़े न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस एक्चुअली में फैशन या फिर बॉलीवुड या इवन रील्स रिलेटेड कंटेंट को अच्छी तरह से नहीं लिख पाते, उनकी राइटिंग टीम इस तरह के कामों के लिए नहीं बनी है, नहीं ट्रेंड है, वो नहीं कर पाते हैं। जो पैशनेट राइटर्स हैं, जो स्मॉल राइटर्स जो एक्चुअली में कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे। सो ये आई है स्पैम पॉलिसी में अपडेट, इसका कोई मतलब नहीं है, यू कैन टोटली स्किप इट। इसका ऑफिशियल लिंक आपको बाकी सारे न्यूज के साथ में मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बट No use, पढ़ो मैं। 30 सितंबर को Google Search Console ने एक छोटा सा अपडेट किया है, जो फिल्टर्स वाली रो होती है ये टॉप पर स्टिक करेगी। ये एक CSS का नॉर्मल छोटा सा चेंज है जिसको वो अपडेट की तरह पे दिखा रहे हैं, तालियां लूट रहे हैं, बट आई मीन या इट्स हेल्पफुल इफ यू आर वर्किंग, इट्स हेल्पफुल बट नॉट दैट हेल्पफुल बिकॉज हम सारा का सारा डेटा एक्सपोर्ट करने के बाद वैसे भी एक्सेल शीट में जाकर या गूगल शीट में जाकर वहां पर पूरा अपना एनालिसिस करते हैं, एक्चुअली में गूगल सर्च कॉन्सोल में बैठ के कोई बहुत ज्यादा नहीं कर रहा है। तो इट्स अ गुड फीचर टू हैव बट इट्स नथिंग लाइक अपडेट, मेरा काम तो बताना, मैंने आपको बता दिया, आप जाकर यूज करके देखें। अगर आप अचानक से देखते हैं और आपको लगता है ओ ये शायद पहले था या नहीं था, तो पहले नहीं था, 30 सितंबर के बाद हुआ है। सो ये थी वो सारी न्यूज जो सितंबर के महीने में हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कैप्चर कर पाए। इस महीने में कुछ ज्यादा न्यूज थी एड्स से रिलेटेड, चाहे वो गूगल एड्स हो, माइक्रोसॉफ्ट एड्स हो या मेटा एड्स हो। सर्च रिलेटेड कुछ कम थी, थोड़ा सा स्लो स्लो महीना था। अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, थोड़ी सी न्यूज कम होंगी, हो सकता है कंट्रोवर्सी ज्यादा हो जाए, हो सकता है अपडेट वाले रिलेटेड न्यूज ज्यादा हो जाए, बट अभी थोड़ी सी सर्च वाली टीम की न्यूज कम रहेंगी बिकॉज ये पूरा का पूरा टाइम फेस्टिव वाला है, यहाँ पर एड्स रिलेटेड न्यूज ज्यादा रहेंगी। सो अपने आपको ब्रेस करके रहें, पीपीसी एग्जीक्यूटिव ज्यादा पंप अप हो जाए, सर्च एग्जीक्यूटिव आप लोग थोड़ा सा अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें, रिसर्च के ऊपर ध्यान दें, कुछ नए टेस्ट करें और हमारे साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टिप और ट्रिक के साथ में, तब तक लिए कीप वॉचिंग कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।